नमस्कार, मार्केट टाइम टीवी में आप सभी का स्वागत है। लगातार मार्केट टाइम टीवी देश और प्रदेश की मंडियों में जाकर अपने दर्शकों को मंडियों के भावों से लगातार रूबरू करा रही है। हम इस समय मौजूद है अलवर की कृषि उपज मंडी में, जहां लगातार चने की जो आवक है वो जोरों पर है। हमारे साथ में व्यापारी रिंकू जसोरिया है, उनसे हम जानेंगे कि किस तरह यहाँ पर चने की आवक है और कितनी चने की आवक है और क्या भाव उनको मिल रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका मार्केट टाइम टीवी में स्वागत है। चने की कितनी आवक है और क्या भाव है आज? नमस्कार, मैं रिंकू जसोरिया। चने की मंडी में आवक आज कुछ घटी है। वैसे तो करीब 1500 कट्टे की आवक थी, लेकिन आज कुछ मौसम खराब होने की वजह से आवक घटी है। चने का भाव 5300 से 5500 रुपए मंडी बिक रहा है क्वालिटी के अनुसार, और आगे चने के अंदर घटबढ़ चलती रहेगी। और इस साल ये बाजार मूल्य ज्यादा होने के कारण हो सकता है कि सरकार को माल कम मिले, तो भविष्य अच्छे रहने की संभावना है। मंडी के अंदर जो आवक है वो क्यों घट रही है चने की? ये आज मौसम खराब है, इस वजह से आज आवक घटी है। बाकी का आवक पहले बढ़िया हुई थी। कुछ किसान इस समय गेहूं में लग गया, गेहूं की अच्छी क्रॉप है, वो पहले गेहूं को काट रहे हैं, मौसम खराब होने के चक्कर में गेहूं निकल रहा है, इसलिए आज अराइवल घटी है। तो पिछले साल की अगर अपन बात की जाए तो पिछले साल क्या भाव में चना बिका था मंडी के अंदर? पिछले वर्ष चना बिका था 4600 से 4800 रुपए फसल पर, और इस वर्ष 5300 से 5500 रुपए हो गया। इससे किसान को बहुत बढ़िया फायदा हो रहा है। जैसे मंडी के अंदर चने की आवक हो रही है तो कुछ स्टॉक भी किया जा रहा है चने का? हाँ, व्यापारी स्टॉक लगातार स्टॉक कर रहे हैं, माल व्यापारी स्टॉक कर रहे हैं, मंगा रहे, कंटिन्यू मंगा रहे। अगर मंडी में चने की जो आवक हो रही है, ऐसे में जो यहाँ पर सरकारी जो इन्होंने खरीद केंद्र खोला है, क्या वहाँ पर भी चला जा रहा है क्या? नहीं, मेरे ख्याल से तो वहाँ इस साल चना बहुत ही कम जाएगा, सरकार को चना बहुत कम मिलेगा, और ये ही व्यापार के लिए प्लस पॉइंट रहेगा। किस कारण से कम जा रहा है वहाँ पर? बाजार मूल्य 5300 से 5500 है, गवर्नमेंट का रेट 5500 है, तो किसान इस भाव में बाजार में माल बेचने में ज्यादा इच्छुक है। तो अगर अभी चने की अपन बात की जाए तो चना जो है लगातार आ रहा है मंडी के अंदर, और यहाँ से जो है स्टॉक भी किया जा रहा है और बाहर मिलों में भी जा रहा है। तो चने की अगर मान लो पूरे अगर देश और प्रदेश की बात की जाए तो कितना अपन मानते हैं कि कितना उत्पादन चने का हो रहा है फिलहाल? देखिए, अभी तो ये क्लियर आंकड़ा आया नहीं है। बाकी देश के अंदर खपत करीब चने की जो है वो 150 से 200 लाख टन की होती है। तो सरकार के पास पिछले साल का बकाया माल भी बाकी है, व्यापारियों के पास भी स्टॉक कुछ बचा हुआ है, उसके बाद पैदावार भी बढ़ी है इस साल चने की, तो माल तो बहुत है। और आगे आके अब जैसा चल रहा है कि चने पे आयात शुल्क हटाया जाए तो विदेशों से भी माल आएंगे। मतलब शुल्क जो लग रहा है वो हट जाएगा तो किस तरह का फायदा रहेगा? देखो, चने पे 66% आयात शुल्क है, वो घटेगा, लेकिन अभी तो विदेशों से वो माल आने में 4 से 6 महीने लगेंगे, क्योंकि अभी वहां क्रॉप जो आएगी वो सितंबर अक्टूबर के आसपास आती है। तो उससे ये है कि चने के अंदर ज्यादा लंबी जो है वो तेजी नहीं आएगी, अभी गड़बड़ चलती रहेगी। तो अगर भाव की बात की जाए तो उतार चढ़ाव जो है लगातार भाव में देखा जा रहा है चने के अंदर जी, तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं अपन? डिमांड सप्लाई। अच्छा, किस तरह है डिमांड सप्लाई? जैसे इस समय चने के दाल के अंदर सरकार, भारत सरकार द्वारा जो 60 रुपए किलो में दाल बेची जा रही है, उससे बाजार में डिमांड कम है। अभी आगामी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद में सरकार बनेगी, तो क्या मानते हैं कि सरकार बनने के बाद में जो जींस है उनके ऊपर भाव में कुछ बढ़ोतरी? बिल्कुल, सरकार बनने के बाद मेरे जो है गणित है वो ये कहता है कि एक बार सब चीजों में बाजारों में उछाल आएगा। अच्छा, चुनाव के बाद ही आ जाएगा, सरकार बनने तक की बिंदिया नहीं देखेंगे, चुनाव के बाद ही एक बार सब चीजों में उछाल आ जाएगा। तो किसान जैसे अपने मंडी में चना लेकर आ रहे हैं तो किस तरह आपके पास में आ रहे हैं, तो क्या भाव उनको मिल रहे हैं? नहीं, हम तो आढ़तियों के द्वारा जो माल बेचा जाता है किसानों का वो ही लेते हैं, और 5300 से 5400 क्वालिटी के अनुसार माल ले रहे हैं। जैसे जो गीला है या क्वालिटी हल्की है, हम उसी अनुसार माल परचेज कर रहे हैं।
हमारे साथ में यहाँ के व्यापारी थे चने के और मिलर भी हैं, उनके यहाँ मिल भी लगी हुई है। उन्होंने बताया कि चना एक अच्छी क्वालिटी का आ रहा है, लेकिन अभी क्या है कि भाव में कुछ उतार और चढ़ाव देखा जा रहा है, क्योंकि आज जो मंडी के अंदर चने की आवक बहुत कम है, लेकिन आगामी दिनों में मंडी के अंदर चने की आवक बढ़ने पर है और एक अच्छा भाव व्यापारी और किसान दोनों को मिलने वाला है। नितिन शर्मा, अलवर।